गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना। आज आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत 3D ज्योमेट्री में सेंट्रल कॉनिकॉइड्स यानी केंद्रीय शंकुज चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इसको आज शुरू करेंगे। आप सबसे पहले केंद्रीय शंकुज यानी शंकुज, पहले वर्ड अपन शंकुज लेते हैं। कॉनिकॉइड्स ये होते क्या हैं? ये एक्चुअली थ्री डायमेंशनल सरफेसेस हैं, पृष्ठ हैं, जिनको यदि हम निर्देशी समतलों या निर्देशी समतलों के पैरेलल समतलों से काटें तो हमको कोनिक्स यानी शंकव प्राप्त होते हैं। यानी ये वो पृष्ठ हैं, दीज आर दोज सरफेसेस व्हेन दे आर कट बाय द प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और कोऑर्डिनेट प्लेन्स देमसेल्व्स, देन वी फाइंड या वी गेट कॉनिक्स। अब हमारे कोर्स में दो तरह के शंकु हैं, एक सेंट्रल कॉनिक्स कॉनिकॉइड्स और एक जनरल कॉनिकॉइड्स। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड्स वो कॉनिकॉइड्स होते हैं जिनका सेंटर होता है, केंद्र होता है। ये तीन है, एलिप्सॉइड है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स है। एलिप्सॉइड यानी दीर्घवृत्तज, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट मतलब एक पृष्ठी अतिपरवलज, और हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट्स मतलब दुई पृष्ठी अतिपरवलज। इसके बाद जो जनरल कॉनिकॉइड्स है यानी जिनमें केंद्र नहीं होता है, वो पैराबोलाइड्स हैं, परवलज, वो दो हैं आपके कोर्स में, एलिप्टिक और हाइपरबोलिक, यानी एलिप्टिक पैराबोलाइड और हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। इनकी इक्वेशंस आपके स्क्रीन पे मैंने पेन से लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, यानी हम परवलज यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ दीर्घवृत्तज पढ़ेंगे मुख्य रूप से, या हाइपरबोलॉइड्स भी हो सकते हैं वन शीट के और टू शीट के। तो इनमें माइनस है, आप इक्वेशन देखिए गौर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाली जो है वो एलिप्सॉइड की है, फिर एक माइनस आ जाता है जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो हाइपरबोलॉइड वन शीट का हो जाता है, और दोनों माइनस आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स आ जाता है। तो ये है केंद्रीय शंकुज। तो इनको हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर a की जगह 1 बाई ए स्क्वायर आ जाए, b की जगह 1 बाई बी स्क्वायर आ जाए, c की जगह 1 बाई सी स्क्वायर आ जाए, तो ये दीर्घवृत्तज बन जाएगा। इसी तरह साइन का अंतर आने लगेगा तो हाइपरबोलॉइड्स बनने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इन्होंने चित्र दिए हैं, इसमें देखिए ऊपर इन्होंने बनाया है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और नीचे बनाया हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। इसके बाद नेचर एंड शेप ऑफ द एलिप्सॉइड। अब सबसे पहले हम एलिप्सॉइड ले रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल कॉनिकॉइड है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब हम इसकी नेचर और इसकी शेप, ठीक है, यानी एक इसका रफ स्केच टाइप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्योंकि इसमें एक्स वाई और जेड इन तीनों की घातें सम हैं, तो हम जानते हैं कि कर्व ट्रेसिंग में हमने पढ़ा है कि जब चरों की घातें सम होए तो जो दिया हुआ वक्र है वो तीनों निर्देशी तलों के सापेक्ष सममित होगा। यानी जैसा एक्स तल के लेफ्ट साइड में होगा वैसे राइट साइड में होगा, इसी तरह वाई वाई तल वाई वाई जेड प्लेन जो है, मतलब निर्देशी तल कौन कौन से होंगे, एक्स वाई तल, वाई जेड तल और एक्स जेड तल, इन तीनों तलों के सापेक्ष सममित होगा ये, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की घातें सम हैं, इनको मुख्य तल भी कहते हैं,
और जो निर्देशी अक्ष होंगे तीनों, वो मुख्य अक्ष कहलाएंगे इसके। दूसरा, अगर हम इस पृष्ठ को समतल जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो मतलब होता है एक्स वाई तल से काटें, तो हमें दीर्घवृत्त प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई तल में ये प्राप्त होगा। जेड इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई तल, और उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घवृत्त। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है इन शंकभुजों की, कि जब आप इनको निर्देशित तल या निर्देशित तल के समांतर तल से काटते हैं तो आपको शंकव प्राप्त होता है। तो दीर्घवृत्त काटोगे तो दीर्घवृत्त मिल जाएगा, अति परवलज को काटोगे तो अति परवलय मिल जाएगा, और परवलज को काटोगे तो परवलय मिल जाएगा। किससे काटना होता है, निर्देशी तल या निर्देशी तलों के समांतर तलों द्वारा। तो हमको ये दीर्घवृत्त प्राप्त हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त पृष्ठ का किसी भी मुख्य तल या कोई भी समतल जो कि मुख्य तल के समांतर हो, उसके द्वारा काटा जाएगा तो एक दीर्घवृत्त मिल जाएगा। दीर्घवृत्त अक्ष को आप जैसे ही काटोगे, चाहे जेड बराबर जीरो से काटो चाहे जेड बराबर के से काटो, तो आपको हमेशा एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा जिसकी इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट लेते हैं हम इस सरफेस के ऊपर, तो हम जानते हैं कि क्योंकि निर्देशित तलों के सममित है कर्व, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा भी पृष्ठ पे आ जाएगा, दूसरी ओर आ जाएगा, है ना। ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा पर स्थित होंगे। मूल बिंदु से एक आप रेखा ड्रॉ करोगे, दोनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इस पे। अतः पृष्ठ की प्रत्येक जीवा जो कि मूल बिंदु से जाती है वो बाइसेक्ट होगी मूल बिंदु पर, है ना। जैसे अल्फा बीटा गामा एक तरफ है और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा दूसरी तरफ है, तो नेचुरली वो मूल बिंदु पर डिवाइड हो जाएगी। इसलिए पृष्ठ का मूल बिंदु पृष्ठ केंद्र कहलाएगा, और यह पृष्ठ केंद्र केंद्रीय पृष्ठ बन जाएगा अभी, है ना। केंद्रीय पृष्ठ यानी पृष्ठ यही है, शंकवज पृष्ठ ही तो होते हैं, तो केंद्रीय शंकवज बोलूं या मैं केंद्रीय पृष्ठ बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ केंद्र मिल रहा है मुझको। स्पष्टतया एक्स एक्सिस पृष्ठ को अल्फा जीरो जीरो ए जीरो जीरो तथा ए डैश माइनस ए जीरो जीरो पर काटेगी, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। एक्स एक्सिस समीकरण क्या होगी 3D में, वाई जीरो जेड जीरो। इसी प्रकार वाई एक्सिस जो होगा वो कैसे काटेगा, जीरो बी जीरो, जीरो जीरो माइनस बी जीरो, और जेड एक्सिस कैसे काटेगा, जीरो जीरो सी और जीरो जीरो माइनस सी, इन बिंदुओं पर। तो ये आपको 6 बिंदु मिल जाएंगे, और इन सबके बीच की दूरी जो होगी, ए और ए डैश के बीच की दूरी 2a हो जाएगी, बी बी डैश के बीच की दूरी 2b हो जाएगी स्मॉल बी, और सी और सी डैश के बीच की दूरी 2c हो जाएगी, और ये कहलाएगी पृष्ठ के मुख्य अक्षों की लंबाइयाँ, है ना। ए ए डैश एक्स एक्सिस पे आ रहा है, बी बी डैश वाई एक्सिस पे, सी सी डैश जेड एक्सिस पे आ रहा है। अब आप इन सभी पॉइंट्स को जब मिलाएंगे और ये जो सममिति का ध्यान रखेंगे तो आपको एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 3D फिगर होगा ये, लेकिन इसको आपको इस पेपर पे बनाना होगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस और शेप प्रकृति और प्रकार। इसके बाद हम इसके मैथमेटिकल डिडक्शंस पे आएंगे, कैसे लाइन काटती है शंकभुज को, कैसे टेंजेंट प्लेन निकाले जाते हैं, कैसे पोलर वगैरह डिफाइन किए जाते हैं, डायरेक्टर स्फीयर क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं, ये सब आपको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक आप इन डेफिनेशंस और ये प्रकार जो मैंने शंकभुज के आपको समझाए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए और इनको समझिए। थैंक यू।